देखी थी लेकिन वो हमारी कंप्लीट नहीं हुई है ना। आज हम पढ़ने वाले हैं य से श तक। वर्णमाला में य से श तक कैसे राइट किया जाता है ये हम आज राइट करेंगे। ओके देखो य से क्या है ये यज्ञ, य से यज्ञ। र से रस्सी, र से रस्सी। ल से लहसुन, व से वजन और श से शैतानी। ओके इससे अलग भी वर्ड्स बनते हैं जैसे य से योगा है ना, र से रोथ है, ऐसे अलग अलग। ल से लड्डू भी बनता है ना, व से भी अलग अलग। व से हम वृक्ष भी बोल सकते हैं और श से शलगम ऐसे। तो देखो अभी हम एक पोएम बोलेंगे तो स्टार्ट करते हैं। य से योगा किया करो, य से योगा किया करो। र से रोना नहीं चाहिए, र से रोना नहीं चाहिए। ल से लड़ना नहीं चाहिए, य से योगा किया करो। र से रोना नहीं चाहिए, ल से लड़ना नहीं चाहिए। व से वृक्ष लगाना है, व से वृक्ष लगाना है ने पेड़ हमें लगाना है। श से शलगम है खाने, बच्चों बजाओ ताल। ओके ऐसे आपको क्या करना है याद रखना है, आपके माइंड में आपको वो फिट करना है। ओके तो अभी हम स्टार्ट करेंगे यह कैसे राइट करना है। देखो यह के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या है ये ऐसे याद करो, ऐसे सर करना है ना। ये हो गई हमारी फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, यही हम ऐसा हाफ सर्कल निकालना है। अभी यहां से हमें देखो ये ऐसे करना है ना, क्या किया हाफ सर्कल, देन उसे जॉइन कर और ऐसे एक लाइन निकाले मैंने कर्व लाइन बोली थी इसे, और इसे ज्वाइन कर ऐसे खड़ी रेखा निकाली है ना। देखो ये इसके बाद ये वाली स्टेप, उसके बाद खड़ी रेखा और उसके ऊपर में ऐसे लाइन, ये बन गया य। क्या है ये य। देन रो, रो कैसे करना है, य की जैसे ही करना है फर्स्ट स्टेप। ओके देखो ऐसे किया, अभी इसे हमें क्या करना है ऐसी लाइन निकालना है इसे जॉइन करके है ना, ये ऐसे और यहाँ से ऐसे। क्या हो गया ये रॉ, ऐसी लाइन लेना है ऊपर में। देखो ऐसे हाफ सर्कल निकाला और इसे जोड़कर हमें ऐसी स्लैंटिंग लाइन लेनी है, ऐसी तीखी रेखा निकालनी है। ये क्या हो गया रो, र से रोना नहीं चाहिए र। देन ल, ल से क्या है, ल से क्या करते हैं आप, ल से क्या बनता है लहसुन यानी गार्लिक है ना। ल से लड्डू भी है ना, ल से लड्डू खाते हैं। अभी देखो हम ल कैसे राइट करेंगे, ये देखना है कैसे राइट करेंगे। सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, देखो ये लाइन निकाल रहे हैं ऐसे। ओके देखो ये थोड़ी ऐसी थोड़ी कर्व लाइन बोलते हैं, ऐसे करो, उसके बाद में यहां से जॉइन कर यहां पे पेंसिल रखना है आपको और देखिए ऐसे करना है। देखो क्या किया मैंने, ये वाली लाइन निकालनी है पहले, ऐसे निकाली इसे जोड़कर ऐसी और एक लाइन, देखो है ना ऐसे किया यहाँ पे और देखो ये ऐसे किया है। ओके अभी इसे ज्वाइन करके हम इसे खड़ी रेखा निकालेंगे, ये बन गया ल। ल से लहसुन, देखो कैसे निकालिए ल, ये ऐसे निकाले ये इसे जोड़कर ल। देन वो कैसे राइट करना है, हाफ सर्कल निकालना है
अपसरण निकालना है, उसे जोड़कर खड़ी रेखा। देखो अपसरण उसे जोड़कर खड़ी रेखा, ऐसे ऐसे अपसरण उसे जोड़कर खड़ी रेखा, ये बनने हैं। अभी श श से शयनाय, श को क्या करना है, सबसे पहले हम से सर्कल निकालेंगे। ओके देन देखो ऐसे सर्कल निकाला, अभी यहां से देखो ये ऐसे हाफ सर्कल करना है। सबसे पहले क्या किया, ऐसे छोटा सा हमने सर्कल निकाला है उसे जॉइन करकर ऐसे हाफ सर्कल निकाला है। ओके अभी इसे ज्वाइन करके हम ऐसे नीचे रेखा निकालेंगे, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। ओके ऐसे क्या किया है, छोटा सा हमने हाफ सर्कल निकाला है उसे ज्वाइन करके और एक हाफ सर्कल निकाला है और उसे जोड़कर ऐसी सीधी ऐसी लाइन निकाली है जिसे स्लैंटिंग लाइन बोलते हैं। और अभी इसके पास में थोड़ा डिस्टेंस रखना है हमें और बाद में ऐसी लाइन निकालनी है। ए बन गया शो, देखो इजी है, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके ये ऐसे राइट करना है हमें शो। ये देखो यहाँ पे और यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस रखना है, आप क्या करते इसे ज्वाइन करके निकालते, तो ज्वाइन नहीं करना है इसे, ऐसे सर्कल निकाला है उसे देखो ऐसे किया है और यहाँ से सीधी लाइन और ऊपर में भी ऐसी लाइन देना है। ओके य र ल व श, अब ये यहाँ पे भी राइट करेंगे हम, देखो य क्या बोलना है, य र ये ल व ऐसे रीड करना आता है आपको, तभी देखो
जो और मैंने अभी क्या राइट किया उसके साथ में गो राइट किया, क्या हो गया अभी जो गो, क्या है जो गो। और राइट करेंगे देखो ये क्या है, हॉप होने का है हमारा, है ना, तो अभी आप राइट रीड कर सकते। देखो ये हॉप है ना, और ये ल, क्या हो गया हो ल। ऐसे जैसे काना नहीं है, आपको काना का भी पढ़ाऊंगी, तो ये ऐसे शब्द आपको अभी आते हैं, है ना। और राइट करेंगे जैसे किसका किसका नाम भी हम राइट कर सकते हैं यहाँ पे। देखो क्या है ये, हो गया सबसे स्टार्टिंग वाला लेटर से, ये कौन सा वर्ड से ओ है ना, ओ दे ए मो और ए नो, है ना, क्या हो गया रिटू अभी ओ मो नो। देखो ऐसे भी आपको रीड करना है, राइट करना है, और आपके बुक में भी राइट करना है और पढ़ना है उसे, ओके। तो देखो फिर आपको मिलने के लिए मैं आऊंगी, तब तक आपको क्या करना है, आपका ख्याल रखना है और स्टडी करना है। बाय बाय।